नमस्कार अन्नपूर्णा, आपकी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा, जिसके लिए मैंने लिया सत्तू, अदरक, अजवाइन, 2 चम्मच सरसों का तेल, कलौंजी, हरी मिर्च, अचार। अगर आपके पास इस तरह का सत्तू नहीं है तो आप इस तरह के भुने हुए चने को मिक्सर में पीस के घर में सत्तू बना सकते हैं। वैसे ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। मेरे पास 1 कटोरी सत्तू है, यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटे का यूज किया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन जिसको मैंने हथेली से मसल के पहले ही रख लिया था, 2 चम्मच रिफाइंड तेल, कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। जैसे हम पराठे का डो तैयार करते हैं वैसे आटा हमारा तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है, जो मैं आटे पे अच्छे से लगा देती हूँ ताकि आटे पे पपड़ी ना आए। 10 मिनट रख देती हूँ इसको रेस्ट पे। मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सत्तू के आटा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा है, कलौंजी यानी कि काला जीरा, अदरक जिसको कद्दूकस करके रखा है, 2 चम्मच सरसों का तेल। ध्यान रहे यहाँ पे आपको रिफाइंड तेल का यूज नहीं करना है, सरसों का तेल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अचार, अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप आम के अचार का ज़्यादा तेल और उसका मसाला यूज कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मैं इसके पेड़े बना सकूँ सत्तू के, और मुझे पराठा बनाने में कोई दिक्कत ना हो। नमक, मसाला नमक, कर लेती हूँ इन दोनों को अच्छे से मिक्स। इधर आटा तैयार हो चुका है, इधर मैंने पेड़ा तैयार कर लिया, गैस ऑन मैंने तवा चढ़ा दिया है। मैंने एक छोटी रोटी तैयार की है, इस पे मैं लगा लेती हूँ घी। घी या तेल आप अपनी इच्छा अनुसार जो यूज करते हैं उसको लगा सकते हैं। इस पे मैं लगा लेती हूँ एक पेड़ा जो मैंने सत्तू के आटे का बना के रखा है। इसको इस तरह से नहीं, सेंटर में लगाना है, इस तरह से फोल्ड करना है, और इसका एक पराठा बेल के हमें नॉर्मल रोटी की तरह मैंने तवे पे डाल दिया है। एक तरफ मैंने घी लगा दिया है, पलट देती हूँ, इधर भी मैं घी लगा देती हूँ। घी या तेल आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, क्वांटिटी भी आप अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाला पराठा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अभी नवरात्रा चल रहा है और रमज़ान का महीना फास्ट है, तो वैसे भी हमें इस तरह के बेसन के जो खाना है वो खाना चाहिए, जिससे प्यास अच्छी लगे। सत्तू वैसे भी पेट के लिए बहुत ठंडा होता है। ये बिहार में खाई जाने वाली एक अलग तरह की रेसिपी है। इस तरह से आप बना लीजिए सारे पराठे। मैं इसी तरह से अपने सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ। आप इसको चाय के साथ में खा सकते हैं, दही के साथ में खा सकते हैं, और बिहार में इसको एक खास तरह की सब्जी जिसको आलू का चोखा बोलते हैं उसके साथ में खाया जाता है। लीजिए, चाय के साथ में तैयार है, और ये दही और आलू के चोखे के साथ में आप इस तरह से खाइए। फिर बताइए कमेंट्स में कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।